السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر محترم حضرات ماہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور اس مہینے میں رکھے جانے والے روزے کو سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے آئیے قرآن کریم کی آیات ہی سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں تقوی کے حصول کا کیا طریقہ ہے اور روزوں کا مقصد کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں بہت سارے مقام پر یہ بتایا کہ انسان کی مثال اس زمین اور زمین کی مٹی کی طرح ہے کیونکہ انسان اسی مٹی سے پیدا کیا گیا سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیہا نعیدکم اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے مرنے کے بعد ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اور اسی سے دوبارہ ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے میدان آخرت میں تو انسان کی اس سرزمین سے اور اس سرزمین کی مٹی سے ایک خاص مناسبت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں یہ سمجھایا کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہاں اللہ نے مثال میں اسی زمین کا تذکرہ فرمایا
कि क्या तुम देखते नहीं उस ज़मीन की तरफ जिस पे चलते फिरते हो कि जब बारिश नहीं होती मौसम गर्मा होता है, उस सरज़मीन के अंदर कुछ भी उगाने की सलाहियत नहीं होती, वो मुर्दा होती है। और दौरे जदीद में तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद मशीनों के ज़रिए जब उस मिट्टी को गुजारा गया तो उन मशीनों ने ये नतीजा दिया कि ये मिट्टी मुर्दा है। आयन कुछ महीनों कुछ हफ़्तों के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि हम उन पर बारिश बरसाते हैं उसी ज़मीन पर, और उन बारिश के पानी के नतीजे में और बारिश के मौसम की चलने वाली हवाओं के नतीजे में उसी मिट्टी को हम फिर ज़िंदा करते हैं। उस मिट्टी को फिर जब गुजारा गया मशीनों के अंदर से तो मशीनों ने गवाही दी कि अब इनके अंदर ज़िंदगी आ गई, अब इसमें बीज डाला जाए तो कुछ भी पैदा करने की सलाहियत है इनके अंदर। अल्लाह फरमा रहे हैं एक नहीं कई मकामात पर कि हर साल तुम देखते हो कि हम इन ज़मीनों को मुर्दा करते हैं फिर ज़िंदा करते हैं, ज़रा बताओ क्या हम इस पर कादिर नहीं हैं कि तुमको भी एक दिन मार के फिर दोबारा ज़िंदा करें। तो अल्लाह ने इंसान को इसी मिट्टी से तशबीह दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अन्नासु मआदिन कमआदिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, इंसानों की मिसाल ज़मीन के कान की तरह है। ज़मीन में कान होते हैं सोने के, चांदी के, लोहे के और भी बहुत सारे मादनियात के, धातों के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की मिसाल इन्हीं ज़मीनी कानों की तरह है कि बाज़ ज़मीन का हिस्सा वो है जो बड़ा कीमती धात फराहम करता है इंसानों के लिए, सोना चांदी वगैरह, और बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं कुछ भी नहीं देती सिवाए कांटेदार दरख्तों के। उसी तरह बाज़ इंसान वो हैं जो बहुत नफ़ा बख्श साबित होते हैं दूसरे इंसानों के लिए, बहुत मुफीद होते हैं अपने आमाल से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, और बाज़ इंसान वो हैं जो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं। तो बिल्कुल इंसान की मिसाल इन्हीं ज़मीनी कानों की तरह है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सूरह आराफ़ में अल्लाह ने फरमाया, वल्बलदु तय्यिबु यख्रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, कि जिस शहर की सरज़मीन खुशगवार होती है, जिसके अंदर नरमी होती है, वो ज़मीनें बहुत कुछ देती हैं शहर वालों को, हर तरह के अनाज, गल्ला जात, मेवे जात सब फराहम करती हैं वो ज़मीनें। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा, लेकिन जिन इलाकों की ज़मीन में खबासत होती है, ख़राबी होती है, वो सिवाय कांटेदार झाड़ियों के और कुछ नहीं उगाती, कुछ नहीं देती। सूरह आराफ़ में अल्लाह ने फरमाया, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ अल्लाह ज़मीन की कोई सिफत बयान नहीं कर रहे हैं, इंसान के दिल की सिफत बयान कर रहे हैं, क्योंकि आगे अल्लाह ने फरमाया, कदालिका नुसर्रिफुल आयात, हम आयतों को निशानियों को खोल खोल के रख रहे हैं। ये इशारा है इंसान की ज़िंदगी और इंसान के दिल की तरफ कि बाज़ इंसानों का दिल इतना नर्म होता है कि वो बहुत कुछ देते हैं दूसरों को अपने आमाल से, अपनी खिदमात से, अपनी फ़िक्रों से, अपनी मेहनतों से, और बाज़ इंसान के दिल ऐसे होते हैं कांटेदार झाड़ियों की तरह, कोई नफ़ा बख्श साबित नहीं होते। तो कई आयतें कई अहादीस इस बात को बता रही हैं, इंसान की मिसाल इसी ज़मीन और ज़मीन की मिट्टी की तरह है। अब आगे की बात ये है कि जिस सरज़मीन को खुशगवार बनाना होता है, मुफीद बनाना होता है, नफ़ा बख्श बनाना होता है, सुबह शाम की मेहनत वहाँ पर होनी है, तब जाके वो ज़मीन नफ़ा बख्श साबित होती है। न हमने सुना न कभी हम सुनेंगे कि अचानक कहीं की ज़मीन जो है अनाज उगाने लगी,
चावल उगाने लगी, गेहूं उगाने लगी, मेवे उगा कर देने लगी, ये हो ही नहीं सकता। इन तमाम से पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ज़मीन वाले को, किसान को। सुबह शाम की जहदें मुसलसल होती है, मुसलसल निगरानी होती है, तब जाके एक वक्त आता है कि वो ज़मीन सरसब्ज़ो शादाब होती है, लहलहाने लगती है और फिर इंसानों को बहुत कुछ देने लगती है, उनकी ग़िज़ाएँ और उनकी मेवेजात, ये सारी चीज़ें। और जिस सरज़मीन को छोड़ दिया जाए, कोई निगरानी ना हो, कोई मेहनत ना हो, कोई उसके पीछे वक्त का की कुर्बानी ना हो, वहाँ मूजी जानवरों का बसेरा होता है, वहाँ इंसान जाने से डरता और खौफ खाता है, वहाँ इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाले कांटेदार दरख्त उग आते हैं, क्योंकि वहाँ न कोई निगरानी रही, न कोई मेहनत रही, न कोई जहद मुसलसल रही। बस यही मिसाल है इंसान की और इंसान के दिल की। ये सरजमीन है दिल, इसके अंदर नरमी पैदा करना है, इसको नफा बख्श बनाना है, इसमें ईमान व इस्लाम का पौधा सरसब्ज़ व शादाब करना है, तो मेहनत की ज़रूरत है। इस सरज़मीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी मेहनत हर लम्हा निगरानी कि क्या है ईमान का लेवल, क्या है हमारी इबादतों का आलम, क्या है हमारे ईमान और इस्लाम के मेयार का आलम, ये मुसलसल निगरानी करनी पड़ेगी। अगर निगरानी न की गई, इस दिल की मिसाल बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मूजी जानवरों के रहने वाली ज़मीन का की मिसाल होती है, कि जो शख्स अपने दिल की ज़मीन पे मेहनत नहीं करता, अपने नफ्स पे मुसलसल निगरानी नहीं रखता, वो इंतहाई नुकसानदेह होता है, अपने लिए भी, दूसरे इंसानों के लिए भी। उसके मुआमलात गलत, उसकी ज़बान पे झूठ, झूठे वादे, गालियाँ, धोखा, झूठी कस्में, यही सारी चीज़ों का बसेरा होता है जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली ही हैं। लेकिन जिसने अपने दिल की ज़मीन पे मेहनत कर ली है, उसके अंदर नरमी पैदा कर ली, वो नफ़ा बख्श हो जाता है। फिर उसके अखलाक़, उसके किरदार, उसके आमाल चहारदांगे आलम में मशहूर हो जाते हैं, और वह इंसान बड़ा नफ़ा बख्श और मुफीद साबित होता है। सवाल ये है कि ज़मीनों का तो मौसम आता है, और किसान मौसम के एतबार से ज़मीनों पे मेहनत करता है और उसको नफ़ा बख्श बनाता है। इस दिल की सरज़मीन के लिए कौन सा मौसम हो कि इंसान उसमें भी ज़रा गौर करे, और ये ज़मीन की मेहनत से हज़ार गुना ज़्यादा ज़रूरी है इसके पीछे मेहनत, क्योंकि ज़मीन जो दे रही है वो आरजी है। इस पर मेहनत के नतीजे में जो फल मिलेगा आमाल सालेहा के नतीजे में, वो अशद ज़रूरी है आखिरत के लिए, वो आरजी नहीं है। तो इसके लिए कौन सा मौसम हो? साल के 11 महीने हम सब अपने दिल पे हाथ रखें, कहने वाला भी सुनने वाले भी, सारी मेहनतें हैं हमारी अपने अच्छे लिबास और कपड़ों के लिए, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएँ खाने के लिए, अच्छे से अच्छे मकान में रहने के लिए, उम्दा से उम्दा आरामदा बिस्तर मुहैया करने के लिए, अच्छे से अच्छी दवा और इलाज के लिए। बेशक ये सारी फिक्रें सही हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन ये फिक्रें असल नहीं हैं, सब आरजी हैं। ये सारी जिन चीज़ों की फिक्र हुई साल के 11 महीने, सब आरजी हैं। ये सेहत आरजी, ये घर आरजी, ये खाना पीना आरजी, ये सब ख़त्म हो जाने वाला, फना हो जाने वाला है। असल तो है आमाल सालिहा, उसकी फिक्र कब होगी? अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि इन 12 महीनों में एक महीना माह रमज़ान का अता किया इस असल फिक्र के लिए। इसमें बनाओ अपने दिल की ज़मीन, इसमें सजाओ और सवारो अपने नफ्स को, इसमें सरसब्ज व शादाब करो अपने ईमान और इस्लाम के पौधे को, इसमें मुसलमान बनो, इसमें मुत्तकी बनो, इसमें साबिर बनो सब्र करने वाले, इसमें गमगुसार बनो, इसमें सिर्फ खाने के बजाय खिलाने वाले बनो, इसमें बांटने वाले लुटाने वाले बनो। जो असल तुम्हारा किरदार है, जिसकी वजह से तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहा गया, जो असल इंसानियत की पहचान वस्फ इम्तियाज है, ये सारी चीज़ें तुम करो माह रमज़ानुल मुबारक में। अब हमें पता चल गया कि असल इस महीने में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है।
सिर्फ भूखा और प्यासा रहना इस महीने की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो याद दिलाने के लिए है कि ये महीना रमज़ान का है, इसमें तुम रोज़े से हो। अब रोज़े से होने के बाद जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं कि साल के 11 महीने बेशक हम फिक्र करते थे अपने आप को अच्छे से अच्छी जायकेदार चीज़ें खाने की, लेकिन इस महीने में अल्लाह ने रोक दिया, दिन के औकात में नहीं, अब रुको, अपने पेट की फिक्र बंद करो, अब गमगुसार बनो, अब खिलाने वाले बनो। अब इस महीने में तुम्हें लज्जत आनी चाहिए खिलाने में, तुम्हें मज़ा आना चाहिए लुटाने में, बांटने में, तकसीम करने में, जो मज़ा तुम्हें खाने में आता था साल के 11 महीने। अल्लाह माफ़ करे, दिन भर हम भूखे रहे, रात भर खाते रहे, क्या फिक्र की हमने। बाज़ नौजवानों का जो मशगला हो जाता है माह रमज़ान में, ज़रूरत का जो खाना है वो खा लेते हैं घर में, ज़रूरत से ज़ाइद ख्वाहिशात वाला खाना, रात तमाम कभी ये होटल कभी वो होटल, कभी यहाँ की ग़िज़ा कभी वहाँ की ग़िज़ा, सहरी तक यही चलता है। बाज़ मरतबा आज की रात ये होटल, कल की रात वो होटल, यानी ये इन्हीं जायकों में और इन्हीं पुरतायुस खाने में ही पूरी रातें गुजरती हैं। तो ये महीना भी अगर हमने वही खाने में गुजार दिया तो फिर क्या किया हमने भाई। इसके लिए 11 महीने तो थे ना, 11 महीने खाए ना, घर में भी खाए, दावतों में भी खाए, हर जगह खाए, अभी भी खाएंगे माह रमज़ान में भी। हाँ, ज़रूरत जितनी है खाने की, अल्लाह ने कहा खाओ, इफ्तार खाओ, इफ्तार के बाद खाना खाओ, सहरी खाओ, लेकिन बस इतना खाओ कि पता चले कि हाँ, ये महीने में तुम्हारी नज़र आम महीनों की तरह खाने पर नहीं है, ये महीना खिलाने पर है, ये महीना बांटने पर है, ये महीने में अपने नफ्स से जंग लड़ने पर है। तो इस महीने में ज़रूरत है अपनी इस दिल की सरजमीन को नरम करने की, और ये दिल की सरजमीन नरम होगी, याद रखिए, वो आमाल से जो अल्लाह की इबादत से ताल्लुक़ रखते हैं। पांचों वक्त की नमाज़ें फ़राइज़ और सुन्नतों के साथ अल्लाह ने तौफीक दी तो नफिल भी पढ़िए। ये हम जहन से निकाल दें कि रोज़ा है तो नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, नमाज साल के 12 महीने भी फ़र्ज है। ख़ास तौर से माह रमज़ान में हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करना है, इस दिल की सरजमीन को नरम करना है, और इसके अंदर से ईमान और इस्लाम के सरसब्ज व शादाब पौधों को लहलहाना है, एक नफ़ा बख्श इंसान बनना है, एक बासलाहियत इंसान बनना है, दुनिया के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी। इसके लिए हमें मेहनत करनी है इबादतों पर। पांचों नमाजों में से कोई नमाज छूटने न पाए नौजवानों, ख़ास तौर से जब अय्याम आगे बढ़ते हैं, फजर की नमाज ख़तरे में पड़ती रहती है। यही वजह है कि जितने फुकहा हैं इस्लाम के सारे मुत्तफिक हैं कि माह रमज़ान में फजर अव्वल वक्त में पढ़ी जाए, ताखिर ना हो, नमाज का वक्त शुरू होते ही अजान हो, 10 मिनट से नमाज हो, ताकि किसी की फजर छूटने न पाए, क्योंकि ये वक्त होता है सुस्ती का, खा लिए, सुस्ती तारी हुई, ज़रा सा लेटे, फजर की नमाज चली गई। और इसमें शैतान का कोई कसूर नहीं है, वो बंद है, इसमें कसूर नफ्स का है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया, कल मैदान आखिरत में हिसाब व किताब हो जाएगा, जहन्नमियों से शैतान खिताब करके कहेगा, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे बुरा भला मत बोलना, आज अपने नफ्स को बुरा भला बोलो, अपने आप को मलामत करो, मैं बहकाया था एक मर्तबा, मैं रास्ता दिखाया था एक मर्तबा, बार बार तुम खुद चल के गए हो। माह रमज़ान में सुनने वाले गाना भी सुन रहे हैं, माह रमज़ान में गालियां भी दे रहे हैं देने वाले, माह रमज़ान में झूठ भी बोल रहे हैं, कोई इब्लीस नहीं है, कोई शैतान नहीं है, वो खुद शैतान है, वो खुद शैतानों का शैतान है, उसका नफ्स शैतान है जो माह रमज़ान में गुनाह करवा रहा है। तो इसलिए ज़रा सी सुस्ती हुई और ये नफ्स सुला देगा और फजर की नमाज छूट जाएगी। इसीलिए अव्वल वक्त में मसाजिद में फजर की नमाज है, बिल्कुल फजर पढ़े बगैर सोने की कोशिश ना करें। फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, ईशा भी, सारी नमाजें मसाजिद में बाजमात पढ़ें, क्योंकि ये दिल की सरजमीन को नर्म करना है, अपने ईमान के लेवल और मेयार को बढ़ाना है। फिर रमज़ान हमें ज़िंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी रमज़ान को इतना कारामत बना ले कि मौत के बाद हमारे लिए काफ़ी और वाफ़ी हो जाए इंशाअल्लाह। इशा की नमाज के बाद तरावी भी पढ़नी है, तरावी बड़ी मौसर नमाज है। थोड़ा सा मैं ज़िम्मेदारी के तौर पर यह कह दूँ, ये जो लड़ते हैं तरावी 8 या 20, तरावी सुन्नत या मुस्तहब, बहुत मुबारक उनको ये लड़ाई, वो अपने घर में लड़े बैठ के,
हम ये जानते हैं जितने रुकू, जितने सजदे, जितनी कुरान की तिलावत, कोई ज़ाया नहीं है अल्लाह के करम से। हर इबादत कुरान का हर हर हर्फ अल्लाह के दरबार में किया गया, हर हर रुकू, हर हर सजदा खामोश तरीके से इस दिल पे असर करता है और ये दिल की ज़मीन नर्म होती है, इस दिल में अपना एक असर पैदा करता है। हम पूरा रमज़ान तरावी पढ़ के देखे पाबंदी से, रमज़ान से पहले जो दिल की कैफियत थी रमज़ान के खात्मे पर वैसी नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह बदली हुई होगी। हम हमारा मिजाज है ये उम्मत का, कोई भी इबादत का महीना आए आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, तुम इतना मैं इतना, तुम्हारे पास सुन्नत हमारे पास वाजिब, जितने लड़ते हैं ये पढ़ते कोई भी नहीं है, जिनको पढ़ना है वो लड़ते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आते हैं अपने आप को अल्लाह के दरबार में सुपुर्द कर देते हैं। ये रुकू बारे इलाहा तेरे नाम, ये सजदे बारे इलाहा तेरे नाम, और रब के दरबार में सजदे हों और वो ज़ाया हो जाए, रायगा हो जाए, हो नहीं सकता। सारी तरावी पढ़ें शुरू से लेकर आखिर तक, सारी नमाजें पढ़ें, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करें। बहुत बड़ा ये कुरान करीम बड़ा मुअस्सिर ज़रिया है इस दिल को नरम करने का। रोज़ा रहने की हालत में अगर हम कुरान करीम की तिलावत करें, हमें खुद नहीं मालूम कितना बड़ा शर्फ की बात है, ये अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं। कुरान करीम की तिलावत तो खूब माह रमज़ान के अंदर, उसके अलावा जितने हमसे अज़कार हो सकें, तौबा इस्तिग़फ़ार हो सकें, और ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त की दुआ हर किस जाने न दें, बड़ा कबूलियत का वक्त होता है कि दिन भर हम रोज़ा रहे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होते हैं रोज़ेदार से कि बंदा तू दिन भर मेरी सुनता रहा, मेरे हुक्म से तू खाने पीने से रुका रहा, अब तू मांग मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूँ। हरगिज़ उस वक्त को ज़ाय होने न दें, खूब अल्लाह तबारक व तआला से मांगें, दुआएं करें, तौबा इस्तिग़फ़ार हो और अपने नफ्स की मुसलसल निगरानी हो, जैसे किसान निगरानी करता है ज़मीन को नफ़ा बख्श बनाने के लिए, अपने ईमान और इस्लाम को नफ़ा बख्श बनाना है, पूरी निगरानी होनी चाहिए, कोई गुनाह न होने पाए, कोई फ़र्ज़ वाजिब छूटने ना पाए, और कोई रोज़ों को ख़राब करने वाला अमल जाने अनजाने में होने ना पाए। ये तमाम रियायतों शराइत और हुकूक के साथ अगर हमने रमजान गुजार दिया, अल्लाह की जात पर उम्मीद नहीं यकीन है, इंशाअल्लाह रमजान खत्म होते होते फरिश्ते सनद दे रहे होंगे तुम मुत्तकी हो गए, तुम्हारे दिलों में तकवा आ गया, अल्लाह तबारक तआला की जात से उम्मीद है यकीन है। इसी मकसद के लिए कुरान आया, रमजान आया है। रमजान सिर्फ खाने के लिए नहीं आया, रमज़ान सिर्फ बाज़ारों में वक्त गुजारने के लिए नहीं आया, रमज़ान रात तमाम जाग के दिन तमाम सोने के लिए नहीं आया, रमज़ान आया है इस सरज़मीन को सजाने, नरम करने और संवारने के लिए, तक़वा पैदा करने के लिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है। अगर इस सरज़मीन की कोई मेहनत हुई और ये सरज़मीन गई तो फिर तकवा उसमें बहुत आसानी से इंशाअल्लाह उतर जाएगा, समा जाएगा। यही माह रमजान में हमारी जिम्मेदारी है, तमाम नमाजों की पाबंदी, तमाम आमाले सालेहा की तरफ सबकत और तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस माह मुबारक के एक एक लम्हे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इस माह मुबारक में हम सब को तकवा की दौलत से मालामाल फरमाए, हर तरह के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।